एक इंसान की पहचान उसके नाम से ज़्यादा उसके काम से होती है। अब ये उस इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपने नाम को फेमस करता है एक पॉजिटिव वे में या एक नेगेटिव वे में। एज लाइक पिकासो, जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वी नो हिम नॉट ओनली फॉर हिज नेम बट फॉर द वर्क्स जो उन्होंने वर्ल्ड के आर्टिस्टों के लिए अपने पीछे छोड़ा है। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड द वर्क्स विच आर फुल ऑफ डेडिकेशन लव एंड हिज लव फॉर आर्ट। पाब्लो पिकासो हमेशा बोलते थे कि वे अपनी पेंटिंग ऐसी बनाते हैं जैसा वह सोचते हैं, ना कि जैसा वह देखते हैं। वंस ही ऑल्सो सेड कि इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग लर्न इट अंटिल यू नो 100% ऑफ इट। सो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी बायोग्राफी ऑफ पाब्लो पिकासो, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, कि उनके अंदर पेंटिंग करने का ऐसा जोश आया और उनकी स्टाइल क्या थी, किस किस मूवमेंट में उन्होंने अपने पेंटिंग्स के हुनर को दिखाया है, और बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी। र्यूमर्स हैं उनके बारे में कुछ कि वो एक फेज़ में अपनी लाइफ की ब्लाइंड हो गए थे, मैं इस फैक्ट को भी क्लियर करूंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइक सब्जेक्ट मैटर है उनका क्या था। ही वॉज द ओनली पेंटर जिनकी अभी तक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स चोरी हुई हैं, और 16 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी उनकी लाइफ के बारे में मैं बताऊंगी इस वीडियो में आगे। सो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस वीडियो में जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, मैंने सर्च किया हुआ, रिसर्च करके मैं वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आपको इस तरह का कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके भी और वीडियोज़ के लिंक देख सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो। एज पाब्लो पिकासो वॉज बॉर्न इन मलागा स्पेन ऑन अक्टूबर 25, 1881, पाब्लो पिकासो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिकॉग्निजेबल आर्टिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ही वॉज अ पेंटर, स्कल्पचरर, प्रिंट मेकर, सेरेमिस्ट, स्टेज डिजाइनर, प्ले राइट, पोएट, एंड ही वॉज द पायोनियर ऑफ क्यूबिस्ट मूवमेंट। जॉर्ज ब्रेक, हु इज कंसिडर्ड एज हिज फेलो पेंटर और कोलीग, बोथ वेयर द पायोनियर्स ऑफ क्यूबिस्ट मूवमेंट, एंड फॉर द पीरियड ही लिव्ड एंड वर्क वॉज डिबेटेबल, बट मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड दैट ही वर्क इन द पीरियड ऑफ ब्लू, विच इज़ नोन एज ब्लू पीरियड, विच लिड फ्रॉम बिटवीन 1901 to 1904। द नेक्स्ट इज द रोज पीरियड विच रन फ्रॉम 1904 to 1906। Then comes the African influenced period, which run from 1907 to 1909. Then analytic cubism, 1909 to 1912. And then the last is the synthetic cubism from 1912 to 1914, which are all represented as the crystal period of the era. As now the question comes, ki who introduced him to painting? So his father, who was a great teacher, with a great technical knowledge. When Picasso was 13 years old, he surpasses his father's skills and indulged himself completely into doodling and making artworks. Doodle पे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ डूडल है, उसमें उसके क्या क्या यूज़ होते, किधर किधर उसके यूज़ होते और उसके कितने टाइप्स होते, जेन डूडल एंड मैनी मोर मंडाला, ये सब के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। As being inspired by the anarchists and the radicals he met in Barcelona, in Picasso made his decisive break from the classical method in which he had been trained and began that would become a lifelong process and experimentation and innovation for him. Ek bar ek interview mein unhone kaha tha ki jab ve chote the to unki mother unse kaha karti thi ki agar tum soldier banoge to tum ek general banna, और अगर तुम एक पोप मीन्स मॉन्क बनोगे तो तुम पोप बनना। और तो बाद में उन्होंने कहा था अपनी मदर को कि अगर मैं एक पेंटर बनूंगा तो मैं पिकासो के नाम से जाना जाऊंगा। सो देर इज़ अ पॉइंट लाइक व्हाट वाज़ द की दैट इंस्पायर हिम द मोस्ट टू गेट इंडल्ज इन पेंटिंग इन सो डीप। सो इट्स सेड दैट इज अफ्रीकन आर्ट विच वॉज फ्रॉम 1906 to 1909, after what he was exposed to traditional art of African mask
and other art objects is coming from Africa into French Museum in Paris, which inspired him the most to get forward in this skill, means as a painter. Resulting to that, he opened or means he formed his own college known as San Fernando Fine Arts Royal Academy. So many of you might have heard that Picasso was blind, but it was not actually true. As he suffered from dyslexia, जिसके कारण उन्हें letters and words में different ways के movement नज़र आते थे, जिसका effect हम उनकी painting में भी देख सकते हैं. And हर artist जो observe करता है अपने surrounding से, वही वो अपने canvas पर उतारता है. Picasso ने भी इसी तरीके के कुछ technique use किए थे, जो कि हम उनके paintings में देख सकते हैं. एक article में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने ऐसा बताया है कि वे लेट नाइट को अपने बेड पे जाते थे और सुबह देरी से उठते थे, और आफ्टरनून में वो अपने आर्ट और पेंटिंग स्टूडियो जाते थे, जहां वो शाम तक मींस देर रात तक काम करते थे. और अपनी उनका ऐसा है कुछ थॉट था कि जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि व्हेन आई वर्क आई लीव माय बॉडी आउटसाइड द डोर जस्ट एज मुस्लिम्स रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग अ मॉस्क. अब मैं आपको बताती हूँ कि पिकासो के सब्जेक्ट मैटर क्या रहते थे उनके पेंटिंग्स पे. तो एज ही हैड ऑप्टेड स्टाइल फ्रॉम सिंबलिज्म एंड मॉडर्निस्टिक स्टाइल्स विच फीचर ड्रीम लाइक एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल्स एंड विच हैड इनकॉर्पोरेटेड टू इन्फ्लुएंस हिज वर्क्स द वेरी मोस्ट इज एज उनके पीरियड में, दैट इज द ब्लू पीरियड विच वॉज फ्रॉम 1901 टू 1904, ही यूज अ कलर पैलेट ऑफ ब्लू ग्रीन एंड वॉयलेट to convey the suffering of the subjects. But dukh ki baat ye hai ki unki paintings ko recognition unke death ke baad mili. And now what we see is that his paintings are published in many books, articles, novels and many more places. Unhone more than 13,000 paintings banai, more than 1 lakh prints banai aur 350 statues bhi banai. जिनके मीन्स स्पेकुलेशन के हिसाब से मोर देन 250 स्टैचूज तो चोरी हो चुकी थी. नेक्स्ट इज जब उनका बर्थ हुआ था तो डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था, बट वन ऑफ द डॉक्टर्स थे उनके खुद के अंकल जो कि सिगार यूज़ करते थे, तो उन्होंने पिकासो के फेस पे सिगार का स्मोक थ्रो किया, जिसके सफोकेशन के बाद उन्होंने सांस लेना शुरू कर दिया. And thereafter, he led a very healthy life. Third point is, जब उनका जन्म हुआ था तो first word जो उनके मुँह से निकला था वो था लापिस, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पेंसिल. फोर्थ पॉइंट इज जब वे 13 ईयर्स के थे तब उनके फादर को ये रियलाइज हो गया था, एज उनके फादर भी एक पेंटर थे, एक स्कूल टीचर थे, तो उन्हें लगा कि अब उनके सारे आर्ट मटेरियल्स, पेंटिंग्स एंड कलर्स को उन्हें पिकासो को दे देना चाहिए, बिकॉज ही इज़ एलिजिबल एट दैट एज कि वो अपने फादर के स्किल्स एंड मटेरियल्स को सरपास कर सके. फिफ्थ पॉइंट इज ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट पेंटिंग व्हेन ही वाज ओनली 9 ईयर्स ओल्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज उनकी सबसे महंगी पेंटिंग अभी तक $179.4 million में सेल की गई है, जिसका नाम है लेस फेमिस डैलजर वर्शन ओ. नाइन्थ पॉइंट इज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द नेट वर्थ ऑफ हिज प्रॉपर्टी वेयर $500 million. टेंथ पॉइंट इज आफ्टर हिज डेथ जब उनके चिल्ड्रंस और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस ने उनके लीगल शेयर पर अपना ओनरशिप दिखाना स्टार्ट किया, तब उसके फाइट में उन्होंने कोर्ट को लीगल फी दी थी $30 million. पॉइंट नंबर 11 इज ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज लव फॉर स्ट्राइप्ड शर्ट्स. 12th पॉइंट इज ही वॉज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू एग्जिबिट हिज वर्क एट लोवेर म्यूजियम एट पैरिस एट हिज 90th बर्थडे. 13th पॉइंट इज ही वॉज सस्पेक्टेड व्हेन मोनालिसा वॉज स्टोलन. 14th पॉइंट इज ही हैज मोर पेंटिंग्स दैट वॉज स्टोलन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. मीन्स ये बोला जाता है ना कि मेजोरिटी मीन्स मोर देन 50% ऑफ हिज पेंटिंग्स वेर स्टोलन फ्रॉम म्यूजियम्स एंड डिफरेंट आर्ट गैलरीज इन ऑल. 15th पॉइंट है
The Nazis banned him from showing his artworks during World War I because उन्होंने गर्निका जैसी paintings को बनाया था जो कि वॉर के बैड इफेक्ट्स को दिखाती थी और जिसने एक अलग ही सा फायर इवोक कर दिया था इन द रिवॉल्टर्स. एंड द सिक्सटीन्थ पॉइंट इज ही वॉज बरीड ऑन माउंट सेंट विक्टोरियो. लिस्ट ऑफ सम ऑफ हिज फेमस पेंटिंग्स आर गर्निका, द वीपिंग वुमेन, द ओल्ड गिटारिस्ट, इज द गर्ल बिफोर अ मिरर, इज पोर्ट्रेट ऑफ गर्ट्रूड सेंट, डव, टू गर्ल्स रीडिंग एंड मैनी मोर आर देयर इन द लिस्ट. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ टॉप पेंटिंग्स ऑफ पैब्लो पिकासो. सो स्टे ट्यून्ड विद द नोटिफिकेशंस एंड हिट द बेल आइकन इफ यू हैवंट येट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.